हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैंने रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का एक नया मॉडल पेपर तैयार किया है। इसमें मैंने केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए। साथ ही साथ ये क्वेश्चन 68500 वैकेंसी में साइंस के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रसायन विज्ञान का पार्ट वन है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते रहे जिससे कि इसका रसायन विज्ञान का सेकेंड पार्ट भी जल्द से जल्द मैं ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह के बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पास में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अब चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसे तत्व का नाम बताओ जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है। तो आयोडीन ऐसा पदार्थ है जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है। आपसे एक पूछा गया तो आप इसमें आयोडीन लिख सकते हैं। ये गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें उपधातु कहा जाता है। उपधातुएं ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें धातुओं के गुण व अधातुओं के गुण दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको उपधातु के नाम से जाना जाता है, उपधातु कहा जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है। तो इसमें सेल्युलोज पाया जाता है, यही कपास का मुख्य घटक होता है क्या। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जीवित मनुष्य में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो मैग्नीज तत्व जीवित मनुष्य में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। कौन सा है? मैग्नीज तत्व होता है, ये सबसे कम मात्रा में जीवित मनुष्य में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जीके में भी आ जाते हैं कभी कभी और इसके साथ ही साथ ये साइंस में और रसायन विज्ञान में। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए एलटी ग्रेड के लिए। बिल्कुल छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक आयनन विभव किस तत्व का होता है। तो सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम का होता है। किसका होता है? हीलियम तत्व का होता है। और इसके बाद सिक्स नंबर है कि न्यूनतम आयनन विभव किस तत्व का होता है। तो न्यूनतम होता है वो सीजियम का होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनन विभव क्या होता है? ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनन विभव। तो सबसे कम होता है सीजियम में और सबसे अधिक होता है वो हीलियम में होता है। सीजियम और हीलियम याद कर लीजिए आप लोग। इसके बाद सेवन नंबर क्वेश्चन है, पारे के अयस्क का नाम बताओ। तो पारे का अयस्क होता है सिनेवार। क्या नाम है इसका? सिनेवार नाम होता है, पारे का अयस्क होता है। इसके बाद एट नंबर क्वेश्चन है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है। कौन सा तत्व है? कैल्शियम जो होता है ये दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद नाइन नंबर क्वेश्चन है, फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं। तो फिटकरी में जल के 24 अणु पाए जाते हैं। कितने? 24 अणु होते हैं जो होते हैं वो जल के होते हैं फिटकरी में। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। और ये इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो के अंत में सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। आगे मैं और भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी होती है। तो सबसे अच्छी सुचालक धातु जो होती है वो चांदी होती है। ये विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है, सबसे अच्छी सुचालक होती है। इसका 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होती है। तो विद्युत की सुचालक अधातु जो होती है वो ग्रेफाइट होती है। एक तरह का अपवाद कहा जाता है, अपवाद होता है ये कि विद्युत की सुचालक जो अधातु होती है वो ग्रेफाइट होती है, क्योंकि अधातु में विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों को किस वर्ग में रखा गया है। तो शून्य वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्वों को रखा गया है। किसमें? ये आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में आते हैं। इनमें सर्वाधिक गैसीय तत्व होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्व जो हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया शून्य वर्ग में रखे गए सर्वाधिक गैसीय तत्व। और इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया कि 11 तत्व हैं गैसी तत्व आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में। इसके बाद अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरणीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म
कौन सी गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो फॉस्जीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरोफॉर्म ये ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन गैस में परिवर्तित हो जाता है, और ये बहुत ही विषैली गैस होती है फॉस्जीन गैस। तो याद कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए कि क्वेश्चन को आप लोग। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग उत्कृष्ट माना जाता है? तो फेरिक क्लोराइड रसायन का प्रयोग उत्कृष्ट सबसे अच्छा माना जाता है रक्त का प्रवाह रोकने के लिए। इसका 16 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक चमकदार धातु का नाम बताओ। तो प्लेटिनम धातु जो होती है सबसे अधिक चमकदार धातु होती है, कौन सी प्लेटिनम धातु है? इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व की किरणों का प्रयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट की किरणों का प्रयोग किया जाता है कैंसर उपचार में। कौन सा? कोबाल्ट का CO का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर उपचार में। इसका 18 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर किस अम्ल के कारण जलन महसूस होती है? तो मेथेनोइक एसिड की वजह से चींटी के अंदर मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, जब वो काट लेती है तो ये हमारे शरीर में आ जाता है, इसी की वजह से उस जगह पर लाल पड़ जाता है और जलन महसूस होने लगती है। तो कौन सा? मेथेनोइक एसिड होता है ये। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने 68500 वैकेंसी के लिए और LT ग्रेड के लिए नोट्स तैयार कर लिए हैं, सभी का मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। यदि आप लोगों को वो नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर दें, 8004562822, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रीजनेबल रेट पर सभी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी आप लोग मैसेज कर देंगे, मैं वहां पर अपनी अकाउंट डिटेल्स आपको दे दूंगा जहां पर आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को उतनी जल्दी बाय पोस्ट या बाय कोरियर के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग यदि उन नोट्स की ज़रूरत हो, यदि आप लोग समझते हैं कि नोट्स अच्छे लग रहे हैं आपको, आपको इन नोट से आगे सहायता मिलेगी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए आप लोग तुरंत मैसेज करके बता दें यदि आपको नोट्स चाहिए हो। इसके बाद बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, और जब ये क्रिया अनियंत्रित हो जाती है तो ये हाइड्रोजन बम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और ये अनियंत्रित बहुत ही विनाशकारी प्रक्रिया अभिक्रिया होती है, इससे कि बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और बहुत ही अधिक नुकसान होता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, अग्निशामक में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने आंसर जरूर देते, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें यदि आप लोगों को नोट्स अच्छे लग रहे हों। और नोट चाहिए तो मुझे बता दीजिए, जिस टॉपिक के नोट चाहिए हो मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर नोट्स तैयार करा दूंगा। और होम साइंस के नोट्स अभी तैयार किए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने होम साइंस के नोट्स LT ग्रेड के लिए मांगे थे, मंडे तक सभी नोट्स तैयार हो जाएंगे। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बता दें। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, RDX के खोजकर्ता का नाम बताओ। तो हैनिंग है, इन्होंने RDX की खोज की थी, हैनिंग नाम इनका। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के निर्माण में। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, रसायनों का सम्राट किस अम्ल को कहा जाता है? तो इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, H2SO4 इसका सूत्र होता है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसी को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की अधिकता के कारण पौधों की पत्तियाँ काली होकर गिर जाती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वायुमंडल में जब इसकी अधिकता बढ़ जाती है तो पौधों की पत्तियाँ काली हो जाती हैं और वो टूट कर गिर जाती हैं। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस को आंसू गैस या अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसे अमोनिया गैस को आंसू गैस या अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस होती है ये। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण प्याज व लहसुन में तीक्ष्ण गंध आती है? तो पोटेशियम की अधिकता के कारण प्याज व लहसुन में
में बहुत ही तीखी गंध आती है, बहुत ही तेज़ गंध आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज और लहसुन में बहुत अधिक गंध आती है, तो ये पोटेशियम के कारण होती है गंध। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, धब्बा रहित लौह इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो क्रोमियम धातु को लोहे के साथ मिलाया जाता है, इससे कि स्क्रैच नहीं पड़ते हैं लोहे में। लोहे की जब कोई चीज़ बनाते हैं हम लोग, उसमें स्क्रैच नहीं पड़ते हैं और उसमें सफाई आ जाती है, चिकनाहट आ जाती है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, वायुयान के निर्माण में किस धातु का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है? तो पैलेडियम धातु का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है वायुयान के निर्माण में। पैलेडियम धातु होती है, इसी से वायुयान का निर्माण किया जाता है, अधिकतम प्रयोग इसी धातु का किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पैलेडियम धातु है, याद कर लीजिए आप लोग, नोट करते रहे सभी क्वेश्चंस को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, अम्ल व क्षार की क्रिया स्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो इनसे मिलकर कौन सा पदार्थ बनता है, उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं, और कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग ज़रूर दें। अधिक से अधिक संख्या में अपने क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देते रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग ये भी बताना ना भूलें कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं। यदि आपको चाहिए हों, नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि अपने विचार कुछ देना चाहते हैं लोग, तो विचार भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल सफलता मंत्र। थैंक यू दोस्तों।